है, तो हजरत अली इस अकीदे के खिलाफ क्यों तालीम दे रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि कुफर के सामने डट जाना, गलत बात के सामने डट जाना और डटते हुए मर जाना, हक पर मर गए, हक पर मरना कुफर और बातिल पर जिंदा रहने से ज्यादा बेहतर है। अगर ये दीन का जुज है, अपनी बात को छुपाकर दूसरे की बात कह देना ये दीन है और दीन का जुज है, तो हजरत अली ने इसके खिलाफ क्यों दावत दी? शिया का अकीदा है कि अबू बकर मुनाफिक थे, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। तो सवाल पैदा होता है कि हिजरत के वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा ने नबी के साथ जाने का फैसला क्यों किया जबकि वो अपनी कौम में मौजूद थे, कुफार इनको पकड़ना चाहते थे, तो अबू बकर ने नबी का साथ क्यों दिया? अगर वो नऊज़ु बिल्लाह मुनाफिक थे, ऊपर ऊपर से मुसलमान हुए थे, अंदर से काफिर थे, तो हिजरत के सफर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा ने क्यों दिया? कहते हैं कि अगर ये कहें कि अबू बकर ने दुनियावी माल के फायदे के लिए नबी के साथ मिले, मुनाफिक थे अंदर से काफिर थे, तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा अकेले मक्के से निकले तो वो कौन सा फायदा था, वो कौन सी मसलहत थी जिसके लिए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी का साथ दिया? हालांकि डर ये था कि कुफार कहीं अल्लाह के नबी के साथ साथ इनको भी कत्ल ना कर दें। यह तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पे झूठ और तोहमत है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने माली फायदे के लिए हिजरत में आपका साथ नहीं दिया, बल्कि हिजरत के पूरे सफर में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु अपना माल नबी करीम पे खर्च करते रहे। इनका अकीदा है कि सहाबा नबी करीम की वफात के बाद मुर्तद हो गए, तो सवाल पैदा होता है कि इन सहाबा ने फिर मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ, झूठी नबूवत के दावेदारों के साथ, मुर्तद हो जाने वाले अरब कबाइल के साथ, ज़कात का इनकार कर देने वाले कबाइल के साथ इन सहाबा कराम ने जंग क्यों की, इनको कत्ल क्यों किया? अगर सहाबा खुद ही मुर्तद हो गए थे तो मुसैलमा कज़्ज़ाब से जंग क्यों हुई? खालिद बिन वलीद क्यों लश्कर लेकर निकले? सहाबा कराम क्यों लश्कर लेकर निकले? अगर वाकई ये मुर्तद हो गए थे तो वो जो मुर्तद हो चुके थे उनको वापस इस्लाम में क्यों लेकर आए? अली ने किसी को काफिर नहीं कहा, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने किसी को काफिर नहीं कहा, ना ख्वारिज को, हालांकि खारजियों ने आपके खिलाफ खुरूज किया, आपको तकलीफ दी, आपसे जंग की, आपने इनको भी काफिर नहीं कहा। तो सवाल पैदा होता है कि ये हजरात हजरत अली की तबाह क्यों नहीं करते और कुबार सहाबा और नबी की अजवाज मोमिनों की माओ की तकफीर क्यों करते हैं जबकि अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने साथ जंग करने वाले खारजियों को और दूसरों को भी काफिर नहीं कहा? बल्कि जब खवारिज के बारे में हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से सवाल हुआ तो आपसे पूछा गया, हल हम कैफारा, ये खारजी काफिर हैं? قال هم من الكفر قد فروا, नहीं ये तो कुफर से भाग कर आए हैं। قال اذن هم منافقون, क्या ये खारजी मुनाफिक हैं? قال لا ان المنافقين لا يذكرون الله الا قليلا, नहीं ये मुनाफिक भी नहीं, क्योंकि मुनाफिक तो बहुत थोड़ा अल्लाह का जिक्र करते हैं और ये खारजी तो बहुत अल्लाह का जिक्र करते हैं। قال فما تقول فيهم يا ابا الحسن والحسين, ए हसन हुसैन के बाबा, फिर इन खारजियों के बारे में आप क्या कहते हैं? फरमाया, قال اقول فيهم اخوان قد بغوا علينا والله لا نبدأهم بقتال إلا إذا بدأنا, अल्लाह की कसम ये हमारे भाई हैं जिन्होंने हमारे ऊपर बगावत की है और हम इनसे उस वक्त तक किताल नहीं करते जब तक ये खुद हमारे साथ किताल करने पर तैयार ना हो जाएं। नहजुल बलागा सफा 325 और सफा 340 पर है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अनवरदा हजरत अली से बहुत से मसाइल में मशवरा किया करते थे और शिया का अकीदा है कि उमर जालिम थे, गासिब थे, नऊज़ु बिल्लाह काफिर थे। तो सवाल पैदा होता है कि उमर जालिम काफिर होते हुए अहले हक से मशवरा क्यों करते थे, हजरत अली से मशवरा क्यों करते थे और हजरत अली एक जालिम को, एक गासिब को मशवरे दिया क्यों करते थे? सुन्नी और शिया कुतब के अंदर ये बात मौजूद है कि सलमान फारसी को हजरत उमर ने मदाइन का अमीर मुकर्रर किया और अम्मार बिन यासर को कूफे का अमीर मुकर्रर किया। शिया कायद के मुताबिक सलमान फारसी, अम्मार बिन यासर अली के बहुत बड़े मददगार और हिमायती थे और शियाने अली में से थे। सवाल पैदा होता है कि अम्मार बिन यासर और सलमान फारसी ने जो कि उमर रजी अल्लाह अनवरदा जो शिया अकायद के मुताबिक काफिर, नाफरमान और कुरान की तहरीफ करने वाले अली के दुश्मन थे, उसकी जालमाना हकूमत में गवर्नरी क्यों कबूल की? अमीर साहब खलीफतुल मुस्लिमीन जालिम है, काफिर है, कुरान को बदलने वाला है, अली का दुश्मन है, तो अली के साथियों ने उसको की गवर्नरी के ओहदे को कबूल क्यों किया? ए अकलमंद लोगो, ए हक की तलाश करने वालो, ए वो जो ये चाहें कि हम क्यामत के दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे खड़े हों, सवाल किया जाता है, जरा गौर कीजिए, क्या अल्लाह के नबी ने हमें नेक बीवियां तलाश करने का हुक्म नहीं दिया?
फौरन जवाब में ये लोग कहेंगे कि हाँ बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। तो पूछा जाए आज के किसी आदमी से, क्या तुम किसी जानी की बेटी से निकाह करोगे? तो कोई भी शिया इस पर तस्लीम करने के लिए तैयार? कहेगा नहीं औज़ु बिल्लाह, मैं क्यों जानी की बेटी से शादी करूं। तो आइए ये अपनी किताबों में लिखते हैं कि औज़ु बिल्लाह हजरत उमर जानिया का बेटा था। ये अकीदा बहरानी ने अपनी किताब कशकोल में जिल्द नंबर 3 सफा 210 पर लिखा। नेमतुल्लाह अलजज़ायरी ने यही अकीदा अपनी किताब अनवार अन्नुमानिया जिल्द नंबर 1 सफा 360 पर लिखा कि औज़ु बिल्लाह थुम्मा औज़ु बिल्लाह उमर वलदु ज़िना थे और इसकी बेटी हफ्सा मुनाफिका और खबीसा थी बल्कि काफिरा थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलदु ज़िना की बेटी से शादी क्यों की? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम अपने लिए इसको पसंद नहीं करते? आज के दौर का बेगैरत से बेगैरत इंसान भी इसको अपने लिए पसंद नहीं करता कि वो किसी जानिया की बेटी से शादी करे। और तुम्हारे अकीदे के मुताबिक नऊज़ु बिल्लाह थुम्मा नऊज़ु बिल्लाह हजरत उमर वलदुज़्ज़िना थे, तो फिर हफ्सा जानी की बेटी हुई, उससे रसूलुल्लाह सल्लम ने निकाह क्यों किया? और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्राइल ये पैगाम लेकर आए कि इससे रजू कीजिए, इन्ना कवामतुन सवामा, ये बड़े रोजे रखने वाली और क़याम करने वाली है और जन्नत में भी ये आपकी बीवी है, तो अल्लाह ने क्यों मना नहीं कर दिया? अगर तुम्हारा अकीदा ठीक है, अल्लाह की कसम तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलते हो और अपने लिए जो पसंद करते हो रसूल के लिए इतना भी पसंद नहीं करते। तुम में से कोई किसी बदकार से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता अगर पता लग जाए। और नऊज़ु बिल्लाह रसूल पे इतनी बड़ी तोहमत लगाई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बदकार की बेटी से शादी की। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह हमें हक कहने सुनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें फितनों से बचने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह ममलकत सऊदी अरबिया की हिफाजत फरमा। अल्लाह यहाँ के अमन की हिफाजत फरमा। यहाँ के हुकाम की हिफाजत फरमा। यहाँ के उलमा की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस ममलकत ये तौहीद की ममलिकत जहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह की हकूमत कायम है, जहाँ पे कब्र परस्ती का शिर्क मौजूद नहीं है, ऐ अल्लाह तुझसे सवाल करते हैं इसके अमन के बारे में। कोई इंसान अगर फिक्र और प्लानिंग करे इस अमन को ख़राब करने के लिए, अल्लाह तू उस पर अपना कहर नाजिल फरमा। अल्लाह अल्लाह अगर यहाँ के उलमा के बारे में कोई गंदी फिक्र रखे, अल्लाह तू उनको बर्बाद फरमा। अल्लाह ये फलता फूलता हुआ तौहीद का बूटा इसी तरह फूलता रहे और यहाँ पर तेरी तौहीद गालिब रहे। जिन जालिमों की आंखों में ये कांटे की तरह चुभ रहा है, अल्लाह तू उन जालिमों के हाथों को तोड़ दे। अल्लाह वो सोचे जो इस प्यारे मुल्क के खिलाफ सोचती हैं, अल्लाह उन दिमागों को शल कर दे और हमें अपने नबी की मोहब्बत अता फरमा, उसके सहाबा की मोहब्बत अता फरमा, अहले बैत की मोहब्बत अता फरमा। इसी पे कायम रख, इसी पे जिंदा रख और इसी पे मौत अता फरमा। अकूलु कौली हादा वस्तगफिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तगफिरूहू इन्नहू वल गफूरुर रहीम।